हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जेनेटिक्स बहुत कुछ स्पेसिफिक फिक्स होते हैं। ये बॉटनी और जूलॉजी में भी क्वेश्चंस आते हैं। बॉटनी और जूलॉजी में भी जो भी फिक्स कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी वो अलग अलग जगह पे आते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स की बात करता हूं। पहली चीज जो यहाँ पे सिंपल बता दूं कि एलिक फॉर्म, नॉन एलिक फॉर्म, ये तो आपको पता होगा कि किसी भी क्रोमोजोम के दो पार्ट होते हैं। एक होमोलोगस पार्ट होता है, इसी से आपका एलील बनता है। एक डोमिनेंट फॉर्म होता है और उसका अल्टरनेटिव फॉर्म जो होता है रिसेसिव फॉर्म होता है। ठीक है, अगर कैपिटल ए कैपिटल है तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। यहां तक समझ में आ रहा है जी? इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल ए स्मॉल ए है तो इसको बोलते हैं हेटरोजाइगस, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, और स्मॉल ए है तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। इसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया तो कई सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाने वाले हैं। चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखिएगा और फटाफट बताइएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बहुत ये क्लियर है तो आगे कई सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और सारी चीजों से रिलेटेड। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे कि एक आपका कैपिटल ये है, कैपिटल ए कैपिटल ए, और इसको क्रॉस किया मैंने स्मॉल ए से। जब इसको क्रॉस करेंगे तो इससे एलील बनेगा ये, ठीक है, और इससे एलील बनेगा ये। नाउ एलील बनने से पहले कुछ चीजें मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। चलिए, अगर नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट जो है वो, अगर नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट इज एन, सो गैमिट कितने बनेंगे, फिनोटिपिक कैरेक्टर कितने बनेंगे, ये देख लेते हैं। गैमिट का फॉर्मूला क्या होगा? गैमिट बनने का फॉर्मूला होता है 2 to power n। जितना गैमिट बनेगा उतना ही फिनोटाइप बनेगा, उसका फॉर्मूला 2 to power n। जीनोटाइप कितना बनेगा जी? जीनोटाइप का फॉर्मूला हो जाएगा 3 to power n। एंड टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? वो हो जाएगा 4 to power n। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट, ऐसा होना चाहिए हेटरोजाइगोट। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। हेटरोजाइगोट ये है, बता चुका हूं, हेट्रो होमो, होमो डोमिनेंट एंड होमो रिसेसिव। ठीक है, सो चलिए अब देखिएगा, ये आपका होमो है, ये होमो है, इन दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद बना कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए को क्रॉस कराइए कैपिटल ए स्मॉल ए से। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फिंग, सेल्फिंग करना, क्रॉस कराना। अगर इस F1 जनरेशन को, इसको क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन को वन ऑफ द पेरेंट, अगर इसको हम इस खुद से क्रॉस ना करा के किसी और पेरेंट इससे या इससे क्रॉस कराते, वन ऑफ पेरेंट से, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दैट इज व्हाट, बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस ये भी बैक क्रॉस हो गया, किसी भी पेरेंट से कराइए तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, दैट इज द बैक क्रॉस। लेकिन अगर ये रिसेसिव पेरेंट से है, सी द आई एम चेंजिंग द कलर टू आइडेंटिफाई, अगर ये रिसेसिव से है, ठीक है, सो इसका होता है बैक क्रॉस की जगह, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट क्रॉस। इसी को ही टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन टेस्ट क्रॉस। इसमें जो रेशियो आता है 1:1 का रेशियो आता है, ठीक है, दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। नाउ हमने सेल्फिंग कराई, चलिए हमने सेल्फिंग करा लिया तो अच्छी बात है जी। सेल्फिंग कराने के बाद आपको यहां पे एक मिलेगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, क्यों? क्योंकि इससे एक कैपिटल ए गैमेट बनेगा, एक स्मॉल ए बनेगा, देख सकते हैं दो, एक कैपिटल ए और इससे एक कैपिटल ए बनेगा, एक स्मॉल ए बनेगा। एक बार ये इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल ए कैपिटल ए, ये जब एक बार इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये स्मॉल ए इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये इस, ये स्मॉल ए इससे क्रॉस करेगा, ठीक है, ये स्मॉल ए, दैट इज व्हाट। इसको जरा सा देखिएगा कि ये क्रॉस जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये समझ जाइएगा। हालांकि मैं बहुत बता चुका हूं कई जगह पे, ठीक है, ये आप लोग पढ़ते रहे होंगे,
इसको पढ़ते रहिएगा, जब इसको क्रॉस करेंगे तो स्मॉले स्मॉले बनेगा। आप देखेंगे कि ये बन रहा है दो, ये बन रहा है एक, ये बन रहा है एक चार में से, तो इसका रेशियो होता है 1/4। ये बन रहा है दो चार में से, तो इसका होता है रेशियो 1/2। और ये बन रहा है चार में से एक, तो इसका रेशियो होता है 1/4। ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कैपिटल ए की, ये इस कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, एंड स्मॉल स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4। क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है? प्रोबेबिलिटी क्लियर है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है? ये फिक्स पता हो जाना चाहिए। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल ए स्मॉल ए की 1/2, एंड स्मॉल ए की 1/4। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको डील करूंगा मैं, किससे? प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। चलिए डील करते हैं प्रोबेबिलिटी रिलेटेड, ठीक है? प्रोबेबिलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। सी, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूं जी। प्रोबेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम में बस दो तीन चीजें याद रखनी है। रूल नंबर वन क्या रूल नंबर वन होता है? व्हेन दिस इज द होमो इनटू होमो, अगर होमो इनटू होमो है तो सीधे सीधे आंख मुंद के वन लिख दीजिए। होमो में चाहे वो कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, चाहे कैपिटल ए हो चाहे स्मॉल ए हो, आंख मुंद के वन लिख देना है। रूल नंबर टू अगर वो होमो हुआ और हेट्रो का क्रॉस है, होमो और हेट्रो का क्रॉस, होमो एंड हेट्रो, होमो में कैपिटल ए हो सकता है, स्मॉल ए स्मॉल ए हो सकता है, हेट्रो में कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें आंख मुंद के लिख देना है 1/2, आंख मूंद के लिख देना है 1/2, कुछ भी नहीं सोचना है, ये आपको कर देना है। रूल नंबर थ्री अगर हेट्रो हेट्रो है, अगर हेट्रो का क्रॉस हेट्रो से हो रहा है, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से हो रहा है, तो इसमें पूछा क्या गया है? अब देखना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है। अगर होमो पूछा गया है तो वो हो जाएगा 1/4, अगर हेट्रो पूछा गया है तो वो हो जाएगा 1/2, ठीक है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है जी। चलिए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी रूल। एक यहाँ पे नोट रख लीजिएगा, अपने पास नोट रखिएगा, वो नोट क्या है याद रख लीजिएगा कि हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करें ऑलवेज टेक द जीन्स इंडिविजुअली, ठीक है? इंडिविजुअल, सबको एक साथ लेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको मैं करके दिखा रहा हूं कैसे, इंडिविजुअली कि ए जीन को अलग लीजिए, बी को अलग लीजिए, सी को अलग लीजिए, ऐसे आप इजीली कैलकुलेट करते चले जाएंगे आराम से। चलिए एक फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करिएगा, रिकॉल करा देता हूं फटाक से क्या था वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है? देखने की कोशिश करिएगा कि क्या है कि होमो, यहाँ पे होमो और होमो होगा तो 1 होगा, होमो और हेट्रो होगा तो 1/2 होगा, हेट्रो हेट्रो होगा तो होमो पूछा है तो 1/4, और अगर हेट्रो पूछा है तो 1/2 होगा। नाउ क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस बहुत ए बी बी सी सी डी डी, इसको क्रॉस किया गया है, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, इसके क्रॉस करने के बाद जो प्रोजेनी बनी है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, जीन्स को लेना है। सी व्हाट इज, देखिएगा पहले पहला जीन, जीन वाइज चलना है, पहले पहला जीन लीजिएगा, टेक अप वन जीन, इसको देखिए ये क्या है, ये है हेट्रो, ये क्या है हेट्रो, ये क्या है हेट्रो, हेट्रो हेट्रो है, यानी कि पहले देखना पड़ेगा पूछा क्या है, क्या पूछा है हेट्रो, हेट्रो पूछा है तो 1/2, ग्रेट। ये क्या है, ये हेट्रो है, ये क्या है होमो, यानी सीधे आंख मूंद के 1/2, हेट्रो, ये हेट्रो है और ये है होमो, तो आप आंख मूंद के 1/2 लिखना था। इसको देखिए ये क्या है हेट्रो, ये क्या है हेट्रो, ये दोनों हेट्रो है, तो अब हमें देखना पड़ेगा पूछा क्या है, क्या पूछा है होमो, होमो पूछा है तो सीधे लिख देंगे क्या 1/4, सॉरी ये क्या है हेट्रो, ये क्या है होमो, अब हेट्रो और होमो है तो लिख के देंगे सीधे 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/32। समझ में आया जी, समझ में आया सबको कैसे करना है? 1/1 जीन को देखना है और सीधे यूज कर देना है। जरा सा एक क्वेश्चन और पूछता हूं, देखते हैं कौन बताता है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, देखता हूं इस क्वेश्चन को आपको बताना है फटाफट, दैट इज व्हाट ए ए, ठीक है, बी बी सी सी डी डी ई ई, क्रॉस किया हमने इस चीज को, दैट इज व्हाट कैपिटल ई ए ए,
नाउ इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद आपको बताना है इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्रॉस करने के बाद, बताइए गेट में इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बताइए फटाफट क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 1/32, 1/64, चलिए देखने की कोशिश करते हैं फटाफट, अलग अलग जवाब आ रहे हैं, कल्याणी 1/32 बता रहे हैं, सुचंद 1/64 बता रहे हैं, बाकी लोगों को लगता है समझ में नहीं आया। जनाब देखिए क्या करना है इसको, ये क्या करना है इसको, देखिए ये दोनों हेट्रो हैं, ये दोनों हेट्रो हैं, यहाँ पे पूछा क्या है, ये पूछा है वन बाई, ये क्या है हेट्रो है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये देखिए जरा बताइए ये हेट्रो है ये होमो है, तो सीधे 1/2 कुछ नहीं देखना था, ये हेट्रो ये हेट्रो ये दोनों हेट्रो है, पूछा क्या है होमो, तो 1/4 इस, ये देखिए हेट्रो ये होमो क्या हो जाएगा 1/2, और ये देखिए ये होमो था ये भी होमो था, दोनों होमो होमो थे, 1/1 आ जाएगा 1, दैट इज व्हाट द 1/32। कहां से जी, ये दोनों होमो ही तो हैं, ये दोनों होमो है, गलत कर रहे हैं, जिन्होंने 1/64 किया है गलत किया है, 1/32 आएगा, देखिएगा ये कहां से 1/4 आएगा, 1/4 नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक जगह 1/4 आएगा, तीन जगह 1/2 आएगा, और लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों कैपिटल ही है और ये होमो होमो है, तो 1 आएगा, समझ में आया जी, करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1 आ जाएगा इस तरीके से। इफ योर ड्रीम इज टू क्लियर द CSIR NET लाइफ साइंस, आई विल ब्रिंग योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद माय 4-year एक्सपीरियंस, स्मार्ट हैक्स, स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड स्मार्ट अप्रोच, आई विल मेक यू फॉल इन लव विद ऑल द 13 यूनिट्स, माय कोर्सेज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट हैक्स एंड द स्टैंडर्ड बुक्स, आई एम विरेन सिंह, ज्वाइन मी एंड माय बैच एंड इंडिविजुअल कोर्सेज ऑन एन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म एंड क्रैक द CSIR कॉन्फिडेंटली एंड स्मार्टली, यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइफ टू गेट द 10% डिस्काउंट। Let's crack it. Hey guys, hope कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ, सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।